दोस्तों आज हम देखेंगे क्लोरीन की वैलेंसी। ओ आज हम देखेंगे आयोडीन की वैलेंसी। क्लोरीन की हम देख चुके, आयोडीन की वैलेंसी देखेंगे। तो आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है? माइनस की 1 होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आई है और माइनस की 1 वैलेंसी। तो आयो जैसे हमारा एक कंपाउंड होता है एच आई होता है, तो एच आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, आई को ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आयोडीन क्या करता है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। उस कंडीशन में क्या है, हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आयोडीन पर क्या है, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आयोडीन क्या है, आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, माइनस की 1 होती है। और वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर उतने उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कोई भी एटम है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो नेगेटिव चार्ज आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो तीन नेगेटिव चार्ज आएंगे। अगर वैसे ही कोई भी एटम हुआ वो अगर एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो दो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो उस पर दो नेगेटिव चार्ज आएंगे, और अगर कोई भी एटम है वो तीन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो उस पर तीन नेगेटिव चार्ज आएंगे। अब आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। अब इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी में कितने, 8, तीसरी में कितने, 18 और 7, ठीक है। तो इसके पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पांचवी सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आयोडीन है, ये आयोडीन है, आयोडीन के पहले वाली सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पांचवी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पांचवी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप ये माइनस 1 चार्ज क्यों लेता है, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसे आयोडीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट क्या होता है, बाहर वाली सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब इसको बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, अभी हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसका चार्ज कितना होता है, -1 होता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है तो इसको -1 चार्ज आता है, तो उस केसेस में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 54। आयोडीन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 53, और आयोडाइड के केस में क्या रहेगा, 54, जब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसे आयोडाइड बोलते हैं, और उसमें एक नेगेटिव चार्ज आने से उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, इसके बाहर वाली सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे पहले वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी वाली सेल में कितने 8 रहेंगे, तीसरी में कितने 18 रहेंगे, चौथी में कितने 18 रहेंगे, पांचवी में कितने ये रहेंगे 8 रहेंगे, और इस केसेस में क्या रहता, 7 रहता, ठीक है। जैसे आयोडीन है, ये आयोडीन निगेटिव है, इसके पहले वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरी सेल में कितने रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चौथी सेल में कितने रहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, पांचवी सेल में कितने रहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 18, और ये पांचवी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन क्यों हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो गया है,
इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इसके बाहर वाली सेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, उस पर क्या होता है -1 चार्ज होता है। -1 चार्ज क्यों होता है, क्योंकि आई क्या करता है किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसमें -1 चार्ज आ जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, क्योंकि उसके उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, उसे अपने बाहर वाली सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और पूरे करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए उस पर एक -1 चार्ज आ जाता है तब जब वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ऑक्टेट पूरा करके वो स्टेबल हो जाता है और पीरियोडिक टेबल में अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है। तो ये एक बेसिक है, ये जनरली हर एटम और कंपाउंड की वैलेंसी के लिए सेम बेसिक है, और इसी बेसिस के इसी बेसिस पे हम सारे जो एटम रहते हैं उनकी बैलेंसी को हम पता कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ठीक है ना, और निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया, और बाद में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।